Good morning, dear students. I am Nirmala Parihar. Welcome to you in this online class. So, dear students, before start the online class, I hope you all are fine in your home and happy with your family. So, dear student, मैंने आपको लास्ट वीक जो क्लास थी सिक्स क्लास के ग्रामर की क्लास के अंतर्गत मैंने आपको स वाला जो सर्वनाम शब्द जो पढ़ाए थे स और एश, ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्योंकि सर्वनाम जो शब्द है स और एश वाला फॉर्मेट ये मैंने आपको जो बिफोर ऑनलाइन क्लास थी उस टाइम भी पढ़ाया और लास्ट वीक जो क्लास थी उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे धातु रूप, ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे आज धातु रूप। तो धातु रूप जो बच्चों होती है वो सीखने के लिए जब हम संस्कृत की ग्रामर को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सर्वनाम शब्द रूप और धातु जो रूप होती है उनको ही सीखते हैं। तो धातु रूप जो होती है ना वो हम संस्कृत में छोटे छोटे जो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आपके सामने बहुत सारी चीजें आती है पढ़ने में तो आप नहीं पढ़ पाते हो कि वो क्या है कैसे है, और कभी कभी हिंदी के वर्ड्स आते हैं तो उसको आप संस्कृत में ट्रांसलेट करना होता है। तो बिना धातु रूप के जो नॉलेज है अगर आपको नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। तो बच्चों धातु रूप पढ़ने से पहले सबसे जो इजी धातु सीखने के लिए होती है वो होती है हमारे पास पट धातु। तो मैंने आपको बोर्ड पर पट धातु के रूप ही लिखे हैं तो उसको किस प्रकार और कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता दूं। चलिए देखिए आज हम सीखेंगे धातु रूप। धातु रूप में सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है पट। पट का मतलब होता है बच्चों पढ़ना। क्या मतलब होता है? पढ़ना, ठीक है। इसको लट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लट, लट लकार। और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। देखिए बच्चों आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो उससे आप पता चला, सेंटेंस को पढ़कर यह पता लगा सकते हो कि मीन्स ये जो सेंटेंस है वो कौन से काल का है, यानी कि वर्तमान काल का है, भविष्य काल का है या भूतकाल का, ठीक है। तो उसी तरह संस्कृत में भी तीन काल होते हैं, है ना, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो वर्तमान काल सबसे पहले पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल को क्या कहते हैं संस्कृत में? लट लकार, है ना। और लट लकार में जो धातु है हम सबसे पहले पढ़ेंगे पट, यानी पढ़ना, जो सीखने के लिए सबसे ईजी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए बच्चों धातु रूप लिखने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एकवचन, द्विवचन और बहुवचन ये हमने लिख दिया है। ये सभी धातु रूप लिखने से पहले लिखना आवश्यक होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पुरुष है, ये पुरुष है। पुरुष मैंने आपको बताया हुआ है प्रथम पुरुष सबसे पहले यानी थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन और उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, है ना। तो चलिए ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए प्रथम पुरुष सबसे पहले क्या है? अर्थ ती। देखो ये धातु ती और उसके पीछे क्या लगाना आपको? ती यानी पटती। पटती का मतलब होता है पढ़ता है। फिर पठ तह, पठ तह, इसको विसर्ग को हम क्या पढ़ेंगे? ह। विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ह। इसको हम पीछे ह पढ़ते हैं तो पठ तह, ओके। तो पठ तह का मतलब होता है कि दो पढ़ते हैं, दो जने पढ़ते हैं, ठीक है। और पठंती यानी कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं या बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक एक वचन होता है, एक पर्सन होगा तो पढ़ता है, दो मतलब पर्सन अगर पढ़ रहे हो तो पठतः लगता है और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हो तो पठंती लगता है ना। तो पठती, पठतः, पठंती, ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष। अब देखिए मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तो बच्चों मध्यम पुरुष में जो है जो एक वचन है उसमें आता है पठसी। क्या आता है? पठसी। अगर एक जैसे तुम पढ़ रहे हो तो तुम के लिए, जैसे देखो छोटा सेंटेंस हो गया तुम पढ़ते हो, ठीक है, तो तुम के लिए तो हम तुम का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था। और उसके आगे हम क्या लगाएंगे? पठसी। तो तुम पठसी यानी कि तुम पढ़ते हो। फिर पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो तो तुम दोनों के लिए युवाम शब्द आता है, चलो वो आप देख लेना, बट पढ़ते हैं के लिए दो जने अगर पढ़ रहे हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? पठथ, पठथ, ह, इसको ह पढ़ते हैं, ओके। प्रोनाउंसिएशन में इसको हम ह पढ़ते हैं, विसर्ग को ह पढ़ा जाता है। फिर अगर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं तो यानी कि तुम सब, बहुत सारे से मतलब तुम सब, सेकंड पर्सन तुम के लिए है, तुम दोनों और तुम सब, तो तुम सब पढ़ रहे हो तो सब के लिए फिर क्या वर्ड यूज करने देगा हम, क्या यूज करेंगे? पठथ, ओके, पठथ। देखिए यहाँ पे भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, डिफरेंस सिर्फ ये है
कि अगर दो जने पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो तो प ठ थ ख, और तुम सब पढ़ रहे हो तो प ठ थ, क्योंकि द्विवचन के लिए पटक ह आता है और बहुवचन के लिए पठत। नाउ नेक्स्ट उत्तम पुरुष। तो बच्चों उत्तम पुरुष जो होता है, उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष जब हम बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं, हम खुद के बारे में बात करते हैं, यानी सेल्फ। ठीक है, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो वहां आता है उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले प्रथम उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम दोनों, हम सब। तो मैं के साथ में क्या आता है, पठामी। क्या आता है, पठामी। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठाव, और हम सब पढ़ते हैं तो पठामः। ठीक है, यानी कि वयम पठामः। अब अहम इसलिए क्योंकि मैं के लिए अहम का शब्द का प्रयोग किया जाए, हम दोनों के लिए आवाम, और हम सब के लिए कौन सा शब्द आता है, वयम। ये मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में, मैंने वापस इसलिए लिखी है रिमाइंड करवाने के लिए। तो जैसे सेंटेंस हो गया अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं। वयम पठाम, हम सब पढ़ते हैं या वयम पठाम, यानी कि हम सब पढ़ती हैं। ठीक है, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई इश्यू इसमें नहीं होता है, ये सब के लिए सेम चलते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो एक बात आपको बता देती हूँ मैं आपको। देखिए जैसे पठ धातु की जगह पर मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पर किच्छल धातु, ठीक है, या फिर मैंने दे दिया भव धातु, तो इसको आप कैसे करोगे। देखो मैं आपको करने का जो है तरीका बता देती हूँ, बहुत ही इजी है। ये जो वर्ड्स होते हैं मैंने पठ पठ लिखा है ना, ये आप हटा देंगे इस तरह से, ये पठ सब जगह से मैंने पठ को हटा दिया है। ठीक है, इसकी जगह मैंने आपको दे दिया कि बच्चों आप छल धातु के बारे में जो है वर्तमान काल लिखिए या लट लका लिखिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या लिखना है, चल। ये पीछे जो साइड है ना, ये वाले, ये बच्चों चेंज नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं। आप चाहे कोई भी धातु बनाओ, ये सब सेम है, वही रहते हैं ये। ठीक है, तो आपको सिर्फ धातु चेंज करनी होती है, बस आप इन चिन्हों को दिमाग में रखिएगा तो आपका लट लका बहुत ही इजी तरीके से और आपका करेक्ट भी होगा और आप लिख भी पाओगे। तो चल, सिर्फ चल लिखना है आपको सब जगह, तो आपका चल धातु का लट लका बन जाएगा। इस तरह से आप कोई भी धातु लगाकर आप कोई भी धातु का लट लका बना सकते हैं। ठीक है, चलामी चला वह चलामा, ये बन गए आपके चल धातु। चल का मतलब होता है चलना, तो चल धातु का लट लगा आपका बन गया। इस तरह से आप इस सिर्फ धातु रूप को हटाकर दूसरी कोई भी धातु लगाकर आप उसका वर्तमान काल लट लगा जो है वो बना सकते हैं। तो सिर्फ ये जो पीछे के सिंबल है, ये पीछे की जो साइन है, ये पीछे के जो चिन्ह है, वो आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इस तरह बच्चों मैंने आपको पट धातु का जो ये लट लकार बताया है, उसकी जगह आप छल धातु का भी लट लकार मैंने बनाना सिखाया है। इसकी जगह आप कोई भी धातु ऐड करके आप नया वर्तमान काल या पट जो लट लकार है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर बाद आपको कुछ धातु, दो तीन धातुएं दूंगी, उसको इसी जगह पे आपको शिफ्ट करके और एक नया धातु जो है वर्तमान काल लट लकार जो है बनाना है। ठीक है, आई होप आपको लट लकार जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।